नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नष्ट हुई फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की धमकी। आज सागर जिले के राहतगढ़ में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के मार्गदर्शन में नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर राहतगढ़ SDM महोदय को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि इस वर्ष 2020 में जो सोयाबीन और मूंगफली, मूंग के साथ अन्य खरीफ की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, जिससे किसानों पर गंभीर संकट छा गया है और किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। कांग्रेस ने मांग की कि राहतगढ़ तहसील अंतर्गत प्रत्येक हलका का जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए, अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाया जाए और वर्ष 2019 के बीमा से वंचित रहे किसानों को फसल बीमा तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले किसानों को मुआवजा राशि एवं फसल बीमा राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जाए। राहतगढ़ बस स्टैंड पुलिस चौकी पर सभी किसान एवं कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पटेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के कहने पर अगर एक भी गरीब मजदूर की ईंट गिर गई तो मैं भी उसे बड़े बड़े मकान गिराने की ताकत रखता हूं। आज उनका है तो कल हमारा भी आएगा। ज्ञापन के संदर्भ में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं युवक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समस्त इकाई के पदाधिकारी उपलब्ध रहे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। बीमा राशि आप सब लोग जानते हैं कि बीमा का जो प्रीमियम कटता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, यदि बीमा की राशि का मैं पैसा प्रीमियम में कटता है तो ये उचित है कि बीमा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी क्षतिग्रस्त हुई थी 2019 में, तो सारे लोगों को बीमा मिलना चाहिए। ये बीमा का प्रॉब्लम होता है कि बीमा राशि कटे तो बीमा मिलना चाहिए। और कोई मांग रही क्या आपकी? हाँ, आज हम लोगों ने जो 2018 में भी की बीमा राशि नहीं आई है उस संदर्भ में भी बात की है, और आज उफड़ अफलन एवं अतिवृष्टि, अधिक पानी और कहीं ज़्यादा पानी कहीं कम पानी गिरने से आज लगभग 90% पूरे किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। उसका भी तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश का जो राजस्व मंत्री है वो गोविंद राजपूत जी हैं। मैं उनको शिवराज सिंह के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव भी है, और यदि वो चुनाव की झूठी घोषणाएं कर सकते हैं तो आज उनको किसानों के लिए मुआवजा देने की उचित व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि अब वो व्यवस्थाएं नहीं है कि किसानों के खाते मंगाए जा रहे, एक क्लिक पर पैसा किसानों के खाते में आ सकता है। 24 घंटे में भी यदि शिवराज सिंह चाहे तो हमारे सुर्ख विधानसभा के एक एक किसान को मुआवजा आ सकता है। ऐसा कौन कौन सा एरिया जहां भी बनी आया? ये अपना सेंट्रल बैंक के नहीं आए हैं, जिसमें जो कठौंदा वगैरह ये क्षेत्र है और मीरखेड़ी क्षेत्र है, किटुका है, हमारे बटियाड़ा है, पचुआ है, बिनाई की है, झिला है, ऐसे कई गाँव के 10-10, 20-25 किसान है जिनके लिए मुआवजा नहीं मिला। सीओरा ब्रांच और सभी बैंकों का हालत, मुआवजा मिलना चाहिए। यदि मुआवजा नहीं मिलता है, यदि आज चुनाव की जो करेंगे तो हम लोग आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे, और यदि शिवराज सिंह चौहान राहतगढ़ में आते हैं और अपनी झूठी घोषणाएं देके आएंगे तो सबसे पहले ब्लैक कांग्रेस कमेटी उनको काले झंडे दिखाएगी और मुंह पे काले झंडे लगा के उनको मुंह पे तमाचा मारेगी। यदि आप आज नहीं चाहते, यदि एक भी मकान की ईंट गिर गई तो मैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान गिराने की ताकत रखता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं शिवराज सिंह एवं क्षेत्र के मंत्री को चेतावनी देता हूँ, मैं प्रहलाद पटेल ब्लॉक अध्यक्ष मैं चेतावनी देता हूँ, तब अलिए मैं भोपाल के अड्डे पर काले झंडा दिखाऊंगा। और जनता शिवराज सिंह चौहान और तुम डकने वाला सिंधिया, जब तक राज कराया मैं काले झंडे दिखाऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या बात छुपाई है, और मैं आपको आग्रह करता हूँ सभी प्रशासन को, यदि एक भी ईंट गिर गई किसी भी गरीब मजदूर की तो मैं चिंता की बात नहीं है, अगर नहीं आप देख लेना कल हमारा भी समय आया है। मैं आज भी चेतावनी दे रहा हूँ SDM एवं कलेक्टर को इस मंच के माध्यम से, ध्यान रखना कल हमारा भी समय है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पतरिया से विधानसभा का चुनाव लड़े हमारे बड़े भाई गोवा पटेल जी को, वो भी आए संसद में अपनी बात रखें। जो प्रीमियम इन्हें जमा करवाई है और उसके बदले में किसानों के लिए उनकी बीमा राशि नहीं आई, क्योंकि किसान
किस आधार पर किसानों से इनने प्रीमियम राशि वसूल की है? अगर वसूल की है तो उनके लिए जीवा बीमा हक तो उनको मिलना चाहिए, उनका हक क्यों मार रहे हो आप? इसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया। और कौन कौन से एरिया जहां मतलब बीमा राशि नहीं है? ये तो राहतगढ़, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैपिटल बैंक वगैरह, इन सब बैंक मंगलवार तक का समय दिया होगा। क्या रहेगी आगे? उसके बाद हम लोग फिर रोड पर आएंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे किसान भाइयों के लिए।